हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज के वीडियो में बात करेंगे हम एसएससी फेज 11 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो आपके नॉर्थ जोन के लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपके कौन सी पोस्ट है जो बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है तो वो हम कैसे बताते हैं, तो वो मैं आपको लेके आ चुका हूँ। जो बिना किसी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है जिसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो 10th में और 12th में और ITI वाली पोस्ट कौन कौन सी है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 10th में है आपके जो बिना एक्सपीरियंस वाली है, वो है NR 30A3। ये बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। और नेक्स्ट है NR 32 3। आगे नेक्स्ट है NR 26 7 23। ये है। और आगे है, इसमें आपकी स्विमिंग मांगी गई है। जिसको भी स्विमिंग का नॉलेज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और 10 पास की जॉब है, ये इसमें आपकी स्विमिंग मांगी गई है, यानी कि तैरना आना चाहिए कि जो इसमें अप्लाई कर सकता है। और आगे है NR 25 923। आगे नेक्स्ट NR 10 23। ये हो गई। आगे 12th वाली देखते हैं, NR 29 023। इसमें आपके साइंस मांगी गई है, इसमें आपके साइंस मांगी गई है। आगे नेक्स्ट है NR 28 123। इसमें आपके कॉमर्स मांगी गई है। आगे नेक्स्ट है NR 13 523। इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है NR 31 623। आगे NR 18 12 3। इसमें साइंस मांगी गई है, इसमें साइंस से ध्यान रखना। और ये NR 17 7 17 7 23। और आगे इसमें कॉमर्स मांगी गई है। आगे नेक्स्ट है NR 21 8 23। इसमें आपके साइंस मांगी गई है, साइंस मांगी गई है। और ITI वाली पोस्ट है NR 14 9 23। और एक और है NR 14 9। ये एक ही है अभी, मैं ये आपके पार्ट वन है, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण मुझे इतनी जॉब यानी कि इतनी वैकेंसी मिली है आपके बिना एक्सपीरियंस वाली। और आगे मैं अगर ये आपके पार्ट टू है, आज ये आपके पार्ट वन है। अभी मुझे लगभग नॉर्थ जोन में इतनी वैकेंसी मिली है जो बिना एक्सपीरियंस वाली है। और नेक्स्ट मैं नॉर्थ जोन में और वैकेंसी ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे मिलेगी मैं आपको शाम तक एक और वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सपीरियंस वाली है और कौन सी बिना एक्सपीरियंस वाली है। तो ये सब बिना एक्सपीरियंस वाली जॉब है, तो इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।